अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम 33 है। फिग है हमारे पास 22.56 की। वो कहता है सेमी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग रॉड है, एक साइड से वो क्या कह लो कि यानी इनफाइनाइट है, दूसरी साइड से फाइनाइट है। वो लीनियर डेंसिटी लैम्डा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे वो मांग रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। वो कहता है जो रिजल्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा। तो हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट्स बना लेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर, फिर उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। ये हिंट दिया गया है। तो मैं पूरा रॉड लेने की जगह एक पैच ले रहा हूँ जिसपे चार्ज डी क्यू होगा, पी पॉइंट की दूरी पर उसकी दूरी आर ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर उसने हमें खुद बताया हुआ है। अब क्या जनाब, ई बराबर आ जाएगा के डी क्यू बाई आर, तो डी ई है, आप डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स लगा सकते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो आर बाई आर, तो आपके पास ये कॉस थीटा का किरदार अदा करेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से छोटे आर की वैल्यू आ जाएगी आर ओवर कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से देखें एक्स बाई आर, तो वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा टेन थीटा के। तो आपके पास डी एक्स आ जाएगा, अगर डिफरेंशियल उतारते हैं तो आर सिकंड स्केयर डी थीटा, सिकंड स्केयर वन ओवर कॉस स्केयर थीटा होता है। अब हमें डी एक्स भी पता है, आर भी पता है, इस सिचुएशन के अंदर डी एक्स और आर तो पूरा इंटीग्रल किया जा सकता है। इसके कंपोनेंट लिए जाएंगे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। अगर हम इसके x कंपोनेंट बनाते हैं तो इसमें थीटा यहाँ पे आएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा वाला, यहाँ पे कॉस थीटा वाला। तो इसका मतलब डी एक्स में आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, डी वाई में कॉस थीटा आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे। अब हमें डी एक्स भी पता है, हमें r भी पता है, वो वैल्यूज प्लेस कर देंगे, उस वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, आइडेंटिकल फैक्टर कट जाएंगे, साइन थीटा जीरो से पाई बाई टू तक सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि उसने हमें खुद कहा 945 एंगल के, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट में डी एक्स और आर की वैल्यू लग जाएंगी, वो वैल्यू लेके आइडेंटिकल फैक्टर कट जाएंगे, कॉस थीटा का इंटीग्रल उठाएंगे, ये भी माइनस के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। दोनों सूरतों में चाहे एक्स कंपोनेंट वाई, देखो जवाब सेम आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो गया। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 45 के एंगल पे होगी, यानी तमाम वैल्यूज ऑफ आर के लिए वो 45 डिग्री ही बनाएगी, तो ये जिसपे उसकी वैल्यू सेम आ रही होगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।